सरकार ने पाकिस्तान का पानी किया बंद रावी नदी पर बनाया शाहपुर बांध रावी नदी का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा पंजाब में शाहपुर बांध के गेट बंद कर दिया गया है इसके साथ ही बांध में जल भंडारण आरंभ हो गया है इस बांध में करीब 400 फुट तक जल भंडारण होने के बाद भी पानी सिंचाई के लिए दिया जाएगा इसे जम्मू और कश्मीर की बत्तीस हजार और पंजाब की पाँच हजार हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा इस परियोजना से 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा इस बांध से अब जम्मू कश्मीर को ग्यारह क्यूसेक और पंजाब को दो क्यूसेक पानी मिलेगा जम्मू कश्मीर में अभी तेरह मीटर लंबी नहर का निर्माण चल रहा है निर्माण के साथ ही जम्मू कश्मीर के किसानों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा नदियों के पानी को लेकर हुए समझौते के मुताबिक रावी के पानी पर भारत का पूरा हक है बांध न होने के कारण रावी नदी का लगभग दो मिलियन एकड़ फीट पानी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान में बह जा रहा था जम्मू कश्मीर को पानी दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने दो में शाहपुर कड़ी परियोजना का शिलान्यास किया ये बांध दो हजार करोड़ रुपए की लागत से पूरी तरह से बनकर अब तैयार हो गया है उन्नीस में रंजीत सागर बांध के निर्माण के दौरान जम्मू कश्मीर के किसानों को उनके का पानी दिलाने का वादा किया गया था लेकिन पंजाब वादे से पलट गया जम्मू कश्मीर के हक़ का पानी दिलाने के लिए उन्नीस में साठ किलोमीटर लंबी रावी तवी नहर का निर्माण किया गया नहर का तो निर्माण हो गया लेकिन बांध न होने के कारण पानी नहीं मिल पा रहा था 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी इसके बाद यह मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आया फिर केंद्र ने बांध परियोजना के लिए सहायता दी और अब बांध ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी इस संधि के मुताबिक रावी सतलुज और ब्यास नदी के पानी पर भारत का और सिंधु झेलम और चिनाब पाकिस्तान का हक हाँ है बांधना बनाए जाने के कारण रावी का पानी भी पाकिस्तान जा रहा था अब भारत अपने हिस्सेदारी का पूरा प्रयोग करेगा और रावी के पानी से पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों की भूमि सिंचित होगी